पूनम पांडे की दो दिन पहले शेयर की गई फेक डेथ न्यूज पर लिया जाएगा एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंचा मामला। पूनम पांडे को अपनी मौत का तमाशा बनाना भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक्ट्रेस ने 2 फरवरी के दिन अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू खुद की डेथ की जानकारी दी। अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को पूनम पांडे इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए अपने जिंदा होने की जानकारी देती है। साथ ही वो बताती है कि उन्होंने ये सब सर्वाइकल कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था। मामला इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा मेंबर ने पूनम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि पुलिस को एक्ट्रेस के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। मुंबई के वकील ने पूनम पांडे के इस खुलासे के बाद पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पूनम पांडे ही नहीं बल्कि इस शिकायत में उनकी मैनेजर निकिता शर्मा और एजेंसी हॉटफ्लाई का भी नाम दर्ज है। दर्ज शिकायत में पूनम और उनकी टीम के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 417, 420, 120 बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। बता दें कि पूनम पांडे की डेथ न्यूज का पोस्ट उनकी टीम की तरफ से शेयर हुआ था, जिसे देख सभी काफी शॉक हो गए थे। इस बीच उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश मीडिया ने लगातार जारी रखी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। उनकी डेथ के अनाउंसमेंट के बाद से ही उनकी फैमिली मेंबर्स के फोन लगने बंद हो गए, जिसके बाद उनकी डेथ पर सबको डाउट होने लगा। एक्ट्रेस की बिल्डिंग में उनके पेरेंट्स से मिलने पर उनके गार्ड्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे। अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को जो हुआ उससे सब काफी शॉक रह गए। पूनम पांडे अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए अपने जिंदा होने की जानकारी देती हैं। साथ ही वो बताती हैं कि उन्होंने ये सब सर्वाइकल कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था, लेकिन इसके बाद बॉलीवुड स्टार से लेकर आम जनता तक लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अब आपको क्या लगता है, पूनम का अवेयरनेस फैलाने के लिए अपनाया गया तरीका सही था या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ TNT Live पर।